एवरीबॉडी, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने फॉर्मल रिप्लाइज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट और उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सोल्व किया था, लेकिन उसी के साथ हमने डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट भी पढ़ा था। आज हम उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन आप इसको देखने से पहले लेक्चर 2 के फॉर्मेट को, डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन के फॉर्मेट को एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यू आर मिस तानिया शर्मा, आप सुश्री तानिया शर्मा हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिस शीतल गुप्ता, आपने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है शीतल गुप्ता से। टू अटेंड हर रिंग सेरेमनी ऑन संडे 15 जून 2020 एट 7 PM एट तारा होटल, किसमें शामिल होने के लिए, उसकी सगाई समारोह में शामिल होने के लिए ऑन संडे रविवार को 15 जून 2020 एट 7 PM शाम 7 बजे एट तारा होटल जयपुर। यू आर अनेबल टू अटेंड दिस सेरेमनी, आप इस समारोह में शामिल होने में असक्षम हैं। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई विद सॉलिड रीजन, एक औपचारिक उत्तर दीजिए एक कठोर कारण यानी ठोस कारण के साथ। इसका आंसर ये है, लेकिन आप इससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि कौन मेहमान है और कौन मेजबान है, या मेहमान कौन है जिसको बुलाया गया है। यानी यू आर मिस तानिया शर्मा, यू हैव रिसीव्ड, यानी कि यू ये कौन है, तानिया शर्मा, यानी कि तानिया शर्मा को इनविटेशन प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे मेहमान कौन है, तानिया शर्मा। और किसी के द्वारा प्राप्त हुआ है, शीतल गुप्ता के द्वारा, यानी कि शीतल गुप्ता कौन है, मेजबान। अब फंक्शन का नाम रिंग सेरेमनी, किसके लिए सेरेमनी यहाँ पे हर आया है, रिंग सेरेमनी किसकी है, शीतल गुप्ता की। ये डे है, डेट, टाइम और ये पैलेस जाति जहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन है जो बनाया जाएगा। यू आर अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन, आप असक्षम है, अनेबल है, इसलिए अपन को सॉलिड रीजन देना है। अब ये इसमें आपको कहीं भी डिक्लाइनिंग वर्ड नहीं दिख रहा ना, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ जाएगा कि अपन को ये डिक्लाइनिंग करने के लिए ही कह रहा है। अब एक यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, ये पूरा बॉक्स बनाया हुआ है जो कि लंबा है। इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। नीचे है मिस तानिया शर्मा थैंक्स मिस शीतल गुप्ता फॉर हर काइंड इनविटेशन, सुश्री तानिया शर्मा धन्यवाद करती है मिस शीतल शर्मा को उनके निमंत्रण के लिए। टू अटेंड हर रिंग सेरेमनी, उनके सगाई समारोह में शामिल होने के लिए ऑन संडे 15 जून 2020 एट 7 PM एट तारा होटल जयपुर। डेट टाइम एंड प्लेस, ये सारी चीजें आपको या तो क्वेश्चन में दी हुई होती है, यदि क्वेश्चन में नहीं दी गई होती तो आपको ये मन से भी लिखनी पड़ सकती है बोर्ड एग्जाम में। बट शी इज वेरी सॉरी टू से दैट शी वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू एन ऑफिशियल वर्क एट अजमेर, लेकिन उन्हें यह कहते हुए बहुत खेद है कि शी वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन, वे इस समारोह में शामिल होने में असक्षम है ड्यू टू के कारण एन ऑफिशियल वर्क एट जयपुर, एक अधिक आधिकारिक कार्य के कारण कहाँ, अजमेर में। ये पूरा सॉलिड रीजन हो गया। ओके, सी विशेज ऑल हैप्पीनेस टू शीतल,
वह शीतल के लिए प्रसन्नता चाहती है। ये लास्ट की लाइन है जो आपको डिक्लाइनिंग द इनविटेशन यानी कि अस्वीकार निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने करते हैं तब लिखनी पड़ती है, क्योंकि आप उस फंक्शन में जा तो नहीं रही है लेकिन उसके लिए कुछ विशेष यानी कि कुछ अच्छा जानना चाहती है, वो आपको लिखना पड़ता है। पूरा जो डिक्लाइनिंग द इनविटेशन का आंसर है वो तैयार हो गया है यहाँ पे। आई होप आपको फॉर्मल रिप्लाई अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम इनफॉर्मल रिप्लाईज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इससे पहले जो लेक्चर 2 में बताए गए फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज के जो डिफरेंट है उसको देख लीजिए एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब फॉर्मल रिप्लाईज की बात आती है, सॉरी इनफॉर्मल रिप्लाईज सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाईज इससे रिलेटेड होते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाईज वे होते हैं जो फैमिली मेंबर्स लाइक मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर के द्वारा लिखे जाते हैं, फिर उनसे रिलेटेड होते हैं। रिलेटिव्स लाइक अंकल, आंट से रिलेटेड होते हैं और फ्रेंड्स। ये तीनों चीजें इनफॉर्मल रिप्लाईज के से रिलेटेड होती हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब ये भी दो तरीके से लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए अनौपचारिक उत्तर और निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने के लिए अनौपचारिक उत्तर, ये दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। ये भी इनफॉर्मल रिप्लाईज की तरह ही दोनों तरीके से लिखे जाते हैं। अब हम सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का फॉर्मेट पढ़ेंगे और एक इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम इनफॉर्मल रिप्लाईज के अंदर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का फॉर्मेट पढ़ेंगे। इनफॉर्मल रिप्लाई ये फॉर्मेट है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का है, ये पूरा फॉर्मेट है, इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे जो कि एक लंबा बॉक्स होगा। इन सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए अनौपचारिक उत्तर। इसका अर्थ कोई लाइन का अर्थ ये होता है, इसको हेडिंग के अंदर आपको जैसे कि बताया गया था दोनों लाइन के टच नहीं करना है, क्योंकि दिखने बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसलिए नीचे आएगा एड्रेस। अब आप सोच रहे हैं इसमें एड्रेस किसका आएगा, एड्रेस यहाँ पे पत्र लिखने वाले का आएगा, यानी कि जो रिप्लाई दे रहा है ना उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा। ऑल एस वन लाइन स्पेस यानी कि एक लाइन छोड़कर हमें पत्र लिखने की तारीख लिखनी पड़ेगी, किसकी पत्र लिखने की, यानी जिस दिन अपन इस लेटर को लिख रहे हैं ना उसकी तारीख इधर आएगी, पत्र लिखने की तारीख इधर। और यानी फिर एक लाइन का स्पेस छोड़कर माय डियर यानी कि माय डियर मेरे प्रिय, और यदि हम फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे फादर आएगा, अंकल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे अंकल आएगा, और यदि हम अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, ये बहुत ही ध्यान रखने की बात बताई जा रही है, यदि हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उस फ्रेंड का नाम आएगा, यानी कि माय डियर सीता, माय डियर लक्ष्मी, जो भी फ्रेंड है उसका इधर नाम आएगा, माय डियर फ्रेंड कभी नहीं आएगा। आप इसको लिखने का भी गलती नहीं करिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड का नाम ही आएगा, जैसे माय डियर सीता, यहाँ पे फ्रेंड माय डियर फ्रेंड नहीं आएगा। नीचे है आई एम रियली वेरी ग्लैड टू बी इनवाइटेड बाय यू एट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन,
मैं इस शुभ अवसर पर वास्तव में तुम्हारी बरामदगी किए जाने पर खुश हूँ। फिर नीचे नेम ऑफ दी फंक्शन यानी कि प्लस, इसके बाद ये पूरी लाइन है, इधर यहाँ तक इस पूरी लाइन को लिखने के बाद प्लस नेम ऑफ दी फंक्शन यानी कि जिस भी फंक्शन में आपको इनवाइट किया गया है उस फंक्शन का नाम, लाइक मैरिज सेरेमनी है, बर्थडे पार्टी है, जो भी है उसका इधर नाम आ जाएगा, डे आ जाएगी, डेट आ जाएगा, टाइम, वेन्यू एंड जिस स्थान पर बर्थडे पार्टी है, फिर मैरिज एनिवर्सरी जो भी है। आई विल सर्टेनली कम टू अटेंड दिस फंक्शन, मैं निश्चित रूप से इस समारोह में शामिल होने आऊंगा या आऊंगी। सिंसियर थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन, तुम्हारे निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद। ये आपको अगर इसमें कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन है इस फॉर्मेट में तो आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट तो अपने जनतक हो गया एंड सेकंड पार्ट हो गया यहाँ तक अटेंड दिस फंक्शन, और फोर्थ पार्ट जो कि एक्सेप्टिंग द इनविटेशन इन फॉर्मल रिप्लाइज में लिखा जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंसियर थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन। अब नीचे है योर सिंसियरली फ्रेंड या फिर फ्रेंड, यदि आप किसी आपके बड़े या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिंसियरली आएगा, और यदि आप किसी आपके फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यहाँ पे योर्स फ्रेंड आएगा। ओके, और यहाँ पे नेम आएगा जो कि अभी नेम किसका आएगा, नेम आएगा पत्र लिखने वाले का, यहाँ पे जो नेम आएगा वो पत्र लिखने वाले का आएगा। ये पूरा फॉर्मेट है, अब इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का एक एग्जांपल दिया गया है, इसको देखते हैं। इमेजिन यू आर रानी गुप्ता, कल्पना कीजिए आप रानी गुप्ता हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड पूजा शर्मा, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है आपकी एक फ्रेंड है पूजा शर्मा, उससे टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी, उसकी जन्मदिन जो बर्थडे पार्टी है उस पर उसमें शामिल होने के लिए ऑन 10 जून 2020 एट 7:30 PM 10 जून 2020 को 7:30 बजे राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए एक अनौपचारिक उत्तर दीजिए, उत्तर लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसको भी एक लंबे बॉक्स में बंद कर देंगे। रहेगा ग्रीन पार्क कॉलोनी, यहाँ पे जो मेहमान है यानी रानी गुप्ता उसका एड्रेस आएगा ग्रीन पार्क कॉलोनी आगरा रोड अजमेर। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें इसकी जो पत्र लिख रहे हैं रिप्लाई लिख रहे हैं उसकी डेट लिखेंगे 6 जून 2020। तो उसके बाद एक लाइन छोड़कर माय डियर पूजा, यानी कि आपको बताया गया था कि यहाँ पे माय डियर पूजा इसलिए आया क्योंकि कोई फ्रेंड यहाँ पे किसी फ्रेंड को लिख रहा है तो फ्रेंड का माय डियर फ्रेंड तो नहीं लिखेंगे, जो फ्रेंड है उसका नाम ही लिखेंगे माय डियर पूजा। I am really very glad to be invited by you at this auspicious occasion. मैं इस शुभ अवसर पर तुम्हारे द्वारा आमंत्रित किए जाने पर खुश हूँ। Occasion of your birthday party, तुम्हारे birthday party के शुभ अवसर पर on 10th June 2020 यहाँ पे डेट आ गई, ये डेट है, लेकिन यहाँ पे जो 7:30 PM है उसको डेट लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, तो यहाँ पे डेट लिख देंगे एट 7:30 PM। ओके, देन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको एट 7:30 PM लिखना है। I will certainly come to attend the function and join you on this occasion. I will certainly come, मैं निश्चित रूप से इस occasion पर
उस ऑफरिंग में शामिल होने के लिए आऊंगी एंड ज्वाइन यू और तुम्हें ज्वाइन करूंगी ऑन दिस ओकेजन इस अवसर पर. मे दिस डे कम योर लाइफ अगेन एंड अगेन. मैं आशा करती हूँ यह दिन तुम्हारी जो जीवन में बार बार आए. ये लाइन आपको आपके मन से लिखनी पड़ती है. ये लाइन लिखना कंपलसरी तो नहीं है खैर, लेकिन अपन को बहुत अट्रैक्टिव बनाना होता है इस रिप्लाई को, तो इसलिए अपन ये लाइन लिखेंगे नीचे. सिंसियर थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन. तुम्हारे इस निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद. योर्स फ्रेंड तुम्हारी मित्र रानी गुप्ता. रानी गुप्ता यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा. ये नीचे इस बॉक्स को फिर बंद कर देंगे. ये पूरा एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का जो आंसर है वो रेडी हो चुका है. अब हम इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन का फॉर्मेट पढ़ेंगे. इसमें फॉर्मेट है इनफॉर्मल रिप्लाईज फॉर्मेट. जो आपको एक्सेप्टिंग का फॉर्मेट बताया गया था उसमें से बस थोड़ा सा चेंज करने पर ही डिक्लाइनिंग द इनविटेशन का फॉर्मेट रेडी हो जाता है. उसमें चेंज क्या करना पड़ेगा. इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग था उसकी जगह हम डिक्लाइनिंग कर देंगे. डिक्लाइनिंग द इनविटेशन निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए अनौपचारिक उत्तर. इसका अर्थ भी इसका अर्थ ये होता है वो ही पूरा एक्सेप्टिंग का जो फॉर्मेट था उसी की तरह यहाँ पे भी एड्रेस आएगा पत्र लिखने वाले का एक लाइन छोड़कर. इधर भी डेट आएगी पत्र लिखने जिस दिन पत्र लिखेंगे उस दिन की. फिर माय डियर जो आपको बताया गया था पहले किस तरह संबोधन किया जाता है उसी तरह संबोधन करेंगे. आई एम रियली वेरी ग्लैड टू बी इन्वाइटेड बाय यू एट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन प्लस नेम ऑफ द फंक्शन डे टाइम वेन्यू. यहाँ तक पूरा एक्सेप्टिंग का जो फॉर्मेट है उसमें सेम रहेगा लेकिन यहाँ से चेंज होना यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा. आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू प्लस इसमें यहाँ पे रीजन आ जाएगा कि मुझे बहुत खेद है यह सूचित करते हुए कि मैं इस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी. ये पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा यहाँ तक. लेकिन ड्यू टू के कारण यहाँ पे रीजन आएगा. जो भी आपको पहले लेक्चर टू में जो भी रीजन बताए गए थे आप उसमें से एक रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू वर्ड के बाद. नीचे आएगा प्लीज एक्सेप्ट माय गुड विशेस ऑन दिस ओकेजन. इस अवसर पर कृपया इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें. यदि आप डिक्लाइनिंग कर रहे हैं तो आपको पहले बताया था कुछ ना कुछ शुभकामनाएं तो हम जो इनवाइट करते हैं उसको देंगे ही. तो यहाँ पे आएगा प्लीज एक्सेप्ट माय गुड विशेस ऑन दिस ओकेजन. नीचे आएगा योर्स सिंसियरली या फ्रेंड. आपको बताया था फ्रेंड को लिखते हैं तो योर्स फ्रेंड या अपने से बड़े या किसी फैमिली मेंबर्स को लिखेंगे तो यहाँ आएगा सिंसियरली. नीचे आएगा नेम. नेम किसका आएगा जो पत्र लिख रहा है उसका नाम नीचे ही नीचे आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में. इसको भी एक लंबे बॉक्स में बंद कर देंगे. इसको भी वाइड नहीं करेंगे. अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ डिक्लाइनिंग द इनविटेशन लेटर का एक एग्जांपल दिया गया है उसको देखते हैं. यू आर सुनील. आप सुनील हैं. यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम योर अंकल. आपने आपके अंकल से एक इनविटेशन निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है टू अटेंड हिज सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 12 जून 2020 एट 8 PM. उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए 12 जून 2020 ये डेट आ गई. एट 8 PM यहाँ टाइम आ गया. बट यू आर अनेबल टू गो देयर. लेकिन आप वहां जाने में असक्षम है. राइट ए इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने के लिए एक अनौपचारिक उत्तर लिखिए. ये पूरा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता चल गया होगा कि मेहमान कौन है और मेजबान कौन है. यहाँ मेहमान तो है सुनील और मेजबान कौन है सुनील के अंकल. ये यहाँ आपको
जो फंक्शन है उसका नाम भी दिया गया है, डेट दी गई है और टाइम दिया गया है। यहाँ पे आपको प्लेस नहीं दिया गया है, लेकिन प्लेस अपन अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले लंबा। अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। ये हेडिंग हो गई। इसके नीचे एड्रेस आता है रामनगर बसवा रोड बांदीपुर। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी सुनील का एड्रेस नहीं दिया गया, लेकिन अपन अपने मन से भी इसका एड्रेस लिख सकते हैं रामनगर बसवा रोड बांदीपुर। इसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। 12 जून को क्या है फंक्शन है, अपन उसका रिप्लाई एक दिन पहले 11 जून 2020 को दे सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले नहीं दे सकते, तो थोड़े दिन और पहले दे सकते हैं कि उसको अपन 8 जून भी कर सकते हैं 8 जून 2020। माय डियर अंकल, मेरे प्रिय अंकल, यहाँ पे आपको बताया गया था कि अपन किसी बड़े के लिख रहे हैं, तो माय डियर अंकल किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो एक फ्रेंड का नाम आएगा, एक अंकल को लिख रहे हैं इसलिए माय डियर अंकल। आई एम रियली वेरी ग्लैड टू बी इनवाइटेड बाय यू एट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। मैं इस शुभ अवसर पर आपके द्वारा निमंत्रण किए जाने पर बहुत खुश हूँ। ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योर सन्स बर्थडे पार्टी, आपके बेटे की बर्थडे पार्टी है on 12 June 2020 at 8 PM at गोविंद गार्डन। यहाँ अपन ने क्वेश्चन में से देखकर डेट लिख दी, टाइम लिख दिया, लेकिन ये प्लेस है जिसका क्वेश्चन में कहीं भी कोई नेम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अपने मन से लिख दिया प्लेस का नाम एट गोविंद गार्डन। नीचे है ये थोड़ा सा अपन को ऐसे दिखाने के अपन ने पैरा चेंज करके लिखा है, यानी कि थोड़ी सी जगह इधर छोड़नी है, थोड़ी सी तो बिल्कुल थोड़ी सी इधर छोड़नी है ताकि थोड़ा सा अलग दिखे ये। बट आई एम सॉरी टू इनफॉर्म यू दैट आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन। मुझे यह सूचित करते बहुत खेद हो रहा है कि मैं इस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ निजी समस्याओं के कारण मैं समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेस ऑन दिस ओकेजन, इस समारोह पर मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। योर्स सिंसियरली सुनील। योर सिंसियरली सुनील, क्योंकि अपन अपने बड़े के लिए ये रिप्लाई लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अंकल है सुनील, जो कि यहाँ पे जो इस पत्र को लिख रहा है वो सुनील है, युवा सुनील, यहाँ पे सुनील दिया गया, तो इधर क्या आएगा सुनील। ये पूरा डिक्लाइनिंग द इनविटेशन का जो आंसर है वो रेडी हो चुका है, इसको आप देख लीजिए। तो इनविटेशन रिप्लाई है जो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इनविटेशन रिप्लाई अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।